वेलकम टू हिंजो सलाट यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने हिंजो सलाट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2021 और 22 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5,494 करोड़ का बजट पेश किया है। कुल राजस्व घाटा 1463 करोड़ रुपये अनुमानित है। सीएम जी ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियाँ अभूतपूर्व थी। जिन हेल्थ केयर वर्कर और अन्य लोगों ने लोगों की सेवा की उनका वह आभार व्यक्त करते हैं। आगे बात करते हैं तो 30,000 से अधिक पद भरेंगे शिक्षा विभाग में, 12,000 को मिलेगी नौकरी। 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग में पेंशन सेने की 4,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 4 शिक्षकों के 4,000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कों के 8,000 पद भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कों के 5,000 पद भरे जाने वाले हैं। जल शक्ति विभाग में पैरामिलिटर पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर के 4,000 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस बिजली बोर्ड जेई सहायक अभियंता, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पद जेई JOAIT के पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि 2021-22 में प्रदेश सरकार 30,000 से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने का लक्ष्य रखेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाने की गई घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय प्रतिमाह 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा हुई। SMC IT शिक्षकों मिड डे मील कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई। SMC शिक्षकों के प्रति मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई। अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया गया। और भी यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। HRTC के लिए 377 करोड़ का प्रावधान। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,016 करोड़ रुपये। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे हिमाचल की जो भी सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।